आज की वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनसे आपको पता चल सके कि आखिर नालंदा को क्यों जलाया गया था। 450 ईस्वी में स्थापित हुआ यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में सम्राट कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद यह विश्वविद्यालय जलाकर तोड़ दिया गया था। इतिहास के अनुसार इस आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी और इस विश्वविद्यालय में उस वक्त इतनी किताबें थीं कि यह आग कई सप्ताह तक बुझ नहीं पाई थी। वहीं विश्वविद्यालय में मौजूद भव्य स्तूप, मंदिरों और बुद्ध भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। लेकिन पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में फैले इस विश्वविद्यालय में आज भी प्राचीन खंडहर स्थित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और पढ़ने के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 3 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर चुना जाता था और यहां बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। यही नहीं, इस विश्वविद्यालय में बच्चों का रहना और खाना भी पूरी तरह से फ्री होता था। छात्रों और अध्यापकों की बात करें तो यहां उस समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,700 से ज्यादा अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय में उस समय पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, चीन, तिब्बत, जापान, ग्रीस, इंडोनेशिया, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में केवल एक ही लाइब्रेरी थी जिसका नाम धर्मगुंज था, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस लाइब्रेरी में 9 मंजिल थे और इन 9 मंजिलों में 3 भाग बनाए गए थे जिनका नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में कई ऐसे महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी जिनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे कई सम्राट शामिल हैं। भारत के महान गणित आचार्य आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का एक हिस्सा थे और गुप्त शासकों द्वारा नालंदा के प्रमुख बनाए गए थे। केवल इतना ही नहीं, वराहमिहिर भी इसी विश्वविद्यालय का एक हिस्सा थे। भारत के इस प्राचीन विश्वविद्यालय को तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। दरअसल खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फिर एक दिन बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। उनके हकीमों ने उनकी बीमारी का काफी इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्री बद्दर जी से उपचार करवाने की सलाह दी गई, जिसके बाद आचार्य को बुलवाया गया और उनके सामने इलाज से पहले शर्त रख दी गई कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही नहीं, आचार्य को जय भी कहा गया कि अगर वह ठीक नहीं हुए तो आचार्य की हत्या करवा दी जाएगी। आचार्य ने खिलजी की शर्त को मानते हुए उनका उपचार किया और अगले दिन उनके पास कुरान लेकर गए और खिलजी से कहा कि कुरान के इस पन्ने को पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने आचार्य की बात को मानते हुए कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गए। खिलजी को अपने ठीक होने की खुशी तो हुई लेकिन उन्हें इस बात का गुस्सा था कि भारतीय वैद्यों के पास हकीमों से ज्यादा ज्ञान क्यों है। आचार्य और बौद्ध धर्म का एहसान मानने की बजाय खिलजी ने गुस्से में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी। विश्वविद्यालय में जितनी भी किताबें थीं सब में आग लग गई थी और वह किताबें लगभग 3 सप्ताह तक जलती रही थीं। जिस खिलजी को आचार्य ने बचाया उसी खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटाकर रख दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ आज भी विश्वविद्यालय के अवशेष मौजूद है। यही कारण है कि नालंदा बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ आप विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल देख सकते हैं। वहीं इस विश्वविद्यालय के आसपास में भी घूमने के लिए कई स्थल हैं जो बेहद सुंदर है। भगवान बुद्ध ने इसी विश्वविद्यालय में अपना उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यहीं रहे थे।
इतनी ही नहीं, नालंदा में, राजगीर में कई गर्म पानी के झरने हैं। इस विश्वविद्यालय के आसपास कई विदेशी मंदिर भी हैं, जिनमें चीन का मंदिर, जापान का मंदिर और जामा मस्जिद भी है, जो बिहार में काफी पॉपुलर है। यह बिहार का बेहद